हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्टडी एड ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। एक नई वैकेंसी आई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर, पाइपलाइन डिवीजन के अंदर। यह एक नोटिफिकेशन निकल कर अपने लिए सामने आया है। पाइपलाइन डिवीजन हो या कोई भी डिवीजन हो इंडियन ऑयल का, उसमें रिक्रूटमेंट आते ही रहते हैं लगभग। तो अपन इसी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है 12/9/2022 है, और यह जो है नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी है पाइपलाइन डिवीजन के अंदर। तो इसमें अपन बात कर लेते हैं, ये हर स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो सबसे पहले इसमें अब आप देख लीजिएगा वेस्ट बंगाल, तो अपन आईटीआई की बात करते हैं राजस्थान के लिए। तो राजस्थान में टेक्निकल अटेंडेंट फर्स्ट की जो वैकेंसी है वह टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की 1 और एससी की 1। इस प्रकार टोटल 3 वैकेंसी राजस्थान में है। इसके अलावा अगर आपने आईटीआई कर रखा है, अगर आप गुजरात से हो, तो गुजरात के अंदर टेक्निकल अटेंडेंट की 11 पोस्टें हैं। उत्तर प्रदेश से अगर आप हो, तो टेक्निकल अटेंडेंट की 3 पोस्ट है, जो सेम राजस्थान में भी इतनी पोस्टें हैं। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़, आप टेक्निकल अटेंडेंट वेस्ट बंगाल देख लीजिएगा, अलग अलग राज्य की पोस्ट है। अगर आप इस अपने राज्य से यह फॉर्म लगाते हैं, वैकेंसी कम है बट आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए, वैसे बहुत अच्छी वैकेंसी है, कोई बड़ा इशू नहीं है। नॉर्मल सा 100 रुपये फॉर्म फीस है, तो एक बार एग्जाम जरूर देकर देखना अगर आप फॉर्म लगाते हो तो। और आगे अपन इस में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो इसमें जो टेक्निकल अटेंडेंट है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है टेक्निकल अटेंडेंट फर्स्ट के लिए, उसमें क्या है, 10th और आईटीआई आपसे मांगा है एनसीवीटी या एससीवीटी से। जैसे कि आप इलेक्ट्रिशियन से भरते हो तो 2 ईयर का आईटीआई आप देख लीजिएगा, और पूरा एक बार डिटेल नोटिफिकेशन में कुछ ट्रेड में कितने ईयर की आपसे आईटीआई मांगी है। और इसके अंदर जो पे स्केल रहने वाली है वह काफी अच्छी रहती है, ठीक ठाक पे स्केल आपके सामने है। एक बार नोटिफिकेशन अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा। और जो टेक्निकल अटेंडेंट का इसमें जो बेसिक पे है वह देखिए, क्योंकि अपन मोटा मोटी टेक्निकल अटेंडेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल अटेंडेंट का जो बेसिक पे है वह 23,000 है। और तो अगर इसके अलावा आप किसी वैकेंसी में अप्लाई करते हो राजस्थान की, जैसे टेक्निकल हेल्पर हुई, तो अदरवाइज जो एग्जाम्स है उनमें बेसिक 1800 19,000 के लगभग ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ बेसिक 23,000 है स्टार्टिंग में, चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो DA HRA वो है, वो आपको जो कॉरपोरेशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग मिलते ही रहेंगे। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और एज जो है वह 18 से 26 ईयर एज लिमिट है इसके अंदर। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें रिटर्न एग्जाम होगा। तो अपन टेक्निकल अटेंडेंट के लिए देख लेते हैं। देखिए टेक्निकल अटेंडेंट के लिए जो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन का, और उसमें से 75 क्वेश्चन जो है वह टेक्निकल से रिलेटेड आएंगे। और इसके अलावा जो 25 जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वह एम्पलीट्यूड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल अटेंडेंट, जनरल नॉलेज आदि से आएंगे। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें से वेटेज जो ज्यादा रहेगा वह 75 क्वेश्चन टेक्निकल का रहेगा। और फॉर्म लगाने से पहले एक बार पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो फॉर्म भरने से संबंधित या इस वैकेंसी से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आप हमसे पूछ सकते हो। और इसका जो लास्ट डेट है एग्जाम फिल करने का वह 10/10 है। और अभी तक इसका ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको बोल रखा है कि 27/10 को इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 6/11 को इसका पेपर होगा। और देख लेते हैं, लगभग IOCL ऑन टाइम ही सब करवाती है अभी तक तो। और किसी भी प्रकार की इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। काफी अच्छी वैकेंसी है बट पोस्टें कम है, तो कोई बात नहीं, अपनी तैयारी चेक करने के लिए एग्जाम जरूर दीजिएगा। काफी अच्छा सैलरी है, सब अच्छा है। तो धन्यवाद दोस्तों, बस आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन आया था तो मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कशन आपके साथ कर लिया।